तो दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है राज और आज मैं आ गया हूँ एक पर्दा उठाने वाले वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि एडवर्टाइजमेंट की सच्चाई कि कैसे वो अपने झूठे एडवर्टाइजमेंट का यूज करके आपको अपने प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित करते हैं। तो भैया लोगन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। और आज के वीडियो के लाइक का टारगेट होगा 20 लाइक, तो वीडियो को लाइक करें और भी चौंधिया देने वाले वीडियोज के साथ। तो भैया, बिना ताम झाम के साथ शुरू करते हैं कार्यक्रम। फ्रेंच फ्राइज नाम हो जंक फूड और फ्रेंच फ्राइज सबसे ऊपर ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या आप जानते हो कि एड्स में इस फ्रेंच फ्राइज को और ज़्यादा क्वांटिटी में दिखाने के लिए एडवर्टाइजर्स पंच के ऊपर टूथपिक लगाकर उस पर फ्रेंच फ्राइज को लगा देते हैं, ताकि फ्रेंच फ्राइज लंबी और उठकर बाहर आए। साथ ही एडवर्टाइजर्स असली फ्रेंच फ्राइज का यूज़ भी नहीं करते, वो एक नकली प्लास्टिक से बनी फ्राइज का यूज़ करते हैं, ताकि टाइम के साथ फ्राइज खराब ना हो। केक एनिवर्सरी हो या बेबी का बर्थडे, केक तो भैया सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य है, वो नहीं तो मजा ही नहीं आता। लेकिन क्या आपको पता है कि एड्स वालों ने केक को भी अट्रैक्टिव दिखाने का तरीका ढूंढ लिया है? जी हाँ, एड्स वाले नकली केक के ऊपर कलर्ड फोम का यूज करते हैं, ताकि केक की क्रीम और ज्यादा गाढ़ी लगे और दिखने वाले के मुँह से जलधारा बह जाए। आइसक्रीम भैया, आइसक्रीम एक ऐसा डिजर्ट है जो कि खाने को पूरा कंप्लीट करता है, और एड्स वालों ने इधर भी अपना दिमाग दौड़ाकर आइसक्रीम को और ज़्यादा टेस्टी दिखा दिया है। कैसे? तो भैया, असल में एड्स वाले करते क्या है, वो उबले आलू का यूज़ करते हैं एक नकली आइसक्रीम बनाने के लिए, क्योंकि अगर असली आइसक्रीम रखोगे तो रूम टेम्परेचर में पिघल नहीं जाएगा। लेकिन आलू के साथ ऐसा सीन नहीं है, आप उसे रूम टेम्परेचर में बड़ी आराम से रख सकते हो। कोक भैया, आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है ये कोक। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको वहाँ पे थम्सअप और स्प्राइट तो मिल ही जाएगा। तो भाइयों, ऐड वालों ने इधर भी अपना दिमाग चलाया और कोक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उन्होंने यूज़ किया रबर से बनी आइस, जो कि कहीं भी पिघलता ही नहीं और आइस के मुकाबले और ज़्यादा खिल के दिखता है। सॉफ्ट ड्रिंक को और ज़्यादा आत्मा टचिंग बनाने के लिए ऐड वाले यूज़ करते हैं फुसफुस स्प्रे, ताकि आपकी आत्मा तक उस ग्लास की ठंडक फील हो जाए। चाय भाई हमारे देश का एक लौता लीगल नशा है, जिसे सब करना पसंद करते हैं, मुझे छोड़ के, क्योंकि मुझे दूसरा नशा करना पसंद है। अब भाइयों, ऐड वालों ने इसमें भी अपने प्रोडक्ट्स को धकाधक बेचने के लिए टेक्निक लगाई। इन्होंने चाय पत्ती के ऊपर फूड कलर लगाकर उसे वोडका में डुबा दिया, जिससे ऐसा लगता कि चाय से चाय का कलर निकल के आ रहा हो, लेकिन असल में फूड कलर होता है, चाय नहीं। मसाले के बिना तो हर खाना मानो डाइट फूड जैसा हो जाएगा, टेस्टलेस। लेकिन क्या आप जानते हो कि टीवी एड्स में जो मसाले आपको दिखाए जाते हैं, असल में वो कलर्ड होते हैं। असली मसाले अगर आप देखेंगे तो उनका कलर इतना डार्क नहीं होता। साथ ही जो घर में मसाले आप यूज़ करते हैं, उसमें भी कलर ऐड किए होते हैं, ताकि आपको खाने और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे और भूख लग जाए। चाउमीन भाई, इधर भी ऐड वालों ने अपने शानदार टैक्टिक्स लगा दिए। इन्होंने पर प्लेट की क्वांटिटी को ज़्यादा दिखाने के लिए चाउमीन के बीच में कप को छिपा दिया। बड़े ही तेज हो रहे हो सर। फल एड्स वालों ने इसमें भी अपना दिमाग लगाया और फलों को चमकदार दिखाने के लिए उस पर इस्तेमाल कर दिया हेयर स्प्रे का, जो कि फलों को फ्रेश और चमकदार बनाए रखता है। बियर तो आप सभी को पता ही होगा कि उसे ग्लास में पोर करने पे उसमें से झाग निकल कर आता है, लेकिन एड्स वालों ने अपने झाग को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए ग्लास में शैम्पू का इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि शैम्पू का झाग लंबे समय तक टिका रह सकता है। तो भाइयों, ये थी आज की एड्स की सच्चाई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो याद रखना कि आज के वीडियो को लाइक का टारगेट है 20, प्लीज उसे पूरा कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट भी कर देना। तो चलता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।